यही है हमारे भारत की ताकत, यूनिटी है, सबने दिखाई है। मोदी है तो मुमकिन है, कोरोना से साथ लड़ना है। और जिसने इसने किया कमेंट में बताया कि किसने किसने ये सब किया है, देख सकते हैं पूरे अपार्टमेंट से पीछे हर तरफ से आवाज़ आ रही, पूरा शोर है, सबको बताना है, सब एक साथ हैं कोरोना के अगेंस्ट हैं। तो जिसने इसने भी किया अपने अपने घर पे कमेंट में बताया। सॉरी वाला पार्ट थोड़ा रात को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिला था एडिट करके डालने का, तो लेट हो गया, तो मैं सोचा कुछ बातें और ऐड कर ही देता हूँ, इसलिए आधी वीडियो आपको दिन में आ जाएगी और थोड़ा सा हिस्सा रात में। बात ये थी कि मोदी के एक इशारे पे भारत नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक खड़ा हो गया, ताली बजाया, घंटी बजाया, शंख बजाया, थालियाँ बजाई, हर वो चीज़ की जिससे वो उस मोटिव को पूरा कर सके जिसके लिए मोदी ने आह्वान किया था कि हाँ आप अप्रिशिएट करिए उन लोगों को जो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं लाखों लोगों की जानें बचाने में। भारत के बाहर जो साइंटिस्ट भेजे गए हैं, जो भारत के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं अपनी जान पर रिस्क लगा के, कई डॉक्टरों को भी हुआ है शायद, तो बहुत रिस्क की बात है, उनको अगर हम थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो उनको भी लगेगा कि जनता सराहा रही है, तो वो मोटिव खैर पूरा हुआ। सब ने पार्टिसिपेट किया, एक्टर से लेके पॉलिटिशियन से लेके सब ने। और एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि कुछ जाहिलों को लगता है कि मोदी ने कहा था कि ताली वाली बजाने से वायरस मर जाएगा, तो मैं क्या, और वो लोग इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मोदी को, तो खैर जाहिलों का तो कुछ किया नहीं जा सकता ना, अगर तुम सुनते ही कम हो तो तुम उसी नॉलेज पे, लिमिटेड नॉलेज पे क्रिटिसाइज़ करोगे और उस पे ही अपनी बात करोगे, खैर वो बात अलग है। और कुछ लोगों को ये आपत्ति है कि क्यों शंख बज रहे थे, क्यों घंटियाँ बज रही थी, पूरा एक ना रिलीजियस कुछ हो रहा है, तो अब तुमको आग लग रही, तुम्हारी जल रही, तो उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मैंटेलिटी वैसी है, तो हमने तो कुछ नहीं कहा जब तुम रोज़ सुबह सुबह माइक पे लोगों को जगा देते हो जब अजानें होती हैं। तो खैर मैं बोलूँगा तो मैं कम्युनल हो जाऊँगा, तुमने बोला तो तुम बहुत सेक्युलर हो, खैर उस पर मैंने कुछ कहना चाहता। एक बात और, कुछ लोगों को चुभी होगी और शायद अगर ना किसी को समझ में आया तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी के ऐसा कहने से जो जनता ने रिस्पॉन्स दिया है उससे बहुत लोगों के मन में ये डर और खौफ बैठ गया, एक ट्रेलर दिख गया कि 2024 में फिर से मोदी ही आएगा। इसका अगर किसी को डाउट भी था ना, स्वयं मोदी को भी था ना, तो वो भी क्लियर हो चुका है कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली फिर से। तो कुछ लोग अपना डाउट क्लियर कर लें भाई, ये तो बस एक ट्रेलर था, 2024 में पिक्चर भी देख लोगे, बहुत देर बाद रिलीज़ होगी लेकिन इंतज़ार कर लो, हमने भी किया था, बहुत साल किया कई चीज़ें पाने के लिए। और कोई अच्छा करता है तो उसका सपोर्ट खुल के करना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस क्या उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने ओवैसी को भी सुना कि उसने भी कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार की मदद करिए, सरकार के कहे गए चीज़ों का पालन करिए, तो मुझे उसकी बात ही बहुत अच्छी लगी। मैं ओवैसी का लिटरली, ओवैसी के नॉलेज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ओवैसी कई बातें अपने तर्क पर करते हैं वो, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी की डिबेट जब भी आती मैं देखता हूँ, तो अगर कोई कहीं अच्छा है, कोई स्टैंड ले रहा है तो तारीफ़ करनी चाहिए। केजरीवाल भी बहुत मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब मोदी को किसी ने गाली देने की कोशिश की पाकिस्तान से तो केजरीवाल ने लताड़ दिया। आपको स्टैंड लेना चाहिए अगर कोई कहीं अच्छा है, तो चाहे जिसके लिए स्टैंड लो, अगर कोई देश के लिए अच्छा करा तो स्टैंड लो। और आज भारतवासियों ने दिखा दिया, सच में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लोगों ने स्टैंड बहुत स्ट्रांगली लिया, फर्मली लिया। और मुझे भी एक पॉइंट तक लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, दोस्त लोग आपस में मजाक करते थे कि नहीं कौन जाएगा करने, लेकिन हुई चीज़ बहुत अच्छी बात है, ऐसे सब मिलके साथ में करेंगे हो जाएगा। कल मैं नहीं चाहता कि वीडियो आप जब भी देखें, मैं नहीं चाहता कि आप कर्फ्यू हटने के बाद भी आप निकलने लग जाएं, फ्रीली रोम करने लग जाएं, ये कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं था कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको घर में ही रहना चाहिए, जितना हो सके फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए हर उस इंसान से, सिर्फ मरीजों से ही नहीं। खैर ऐसे ही जनता अपना समर्थन बनाए रहे, मोदी के पीछे खड़ी रहेगी तो देश का भला होता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।